रहा आगे है खरोड़ की टीम, लेकिन दो विकेट भी गिरा चुकी है, इसको भी ख्याल में रखना होगा। एक विकेट तो उनका भी गिरा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक विकेट का फर्क है, लेकिन रन भी कुछ ज्यादा आए हैं। जी बिल्कुल गलीम भाई, बिल्कुल ज्यादा आए हैं, लेकिन जिस हिसाब से यह खेल हो रहा है बेहतरीन कहा जाएगा, और ये रोमांच टीमों के पास इस तरह से छत्ता है कि आप कभी भी वापसी कर सकते हैं। इनके पास अच्छे गेंदबाज है और उधर खबर के पास अच्छे बल्लेबाज भी है, तो जब दोनों टीमों के पास खिलाड़ी अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलता है। सुफियान को लाया गया है मोर्चे पर, सुफियान और उनके सामने तिरासी रन बनाई है, 84 पे जीत है, और तीन ओवर में 24 रन बना लिए हैं, 25 रन बना लिए हैं खबूर की टीम। अब एक खिलाड़ी को ठीक पॉइंट पर भेजा जा रहा है, ठीक सर्कल के ऊपर एक खिलाड़ी को, एक स्लिप गली पॉइंट, स्पिनर आया बॉलिंग, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट, 83 रन बनाए हैं, स्क्वायर फील्ड व्यू रचना लगा के रखी है कैप्टन जावेद ने सुफियान के लिए। सुफियान चले खबोर बनाम कुल्फीगंज के बीच एक बड़ा मुकाबला चल रहा हुआ, चले पर यहाँ पर चार रन मारे हैं खबोर के बल्लेबाज, अब इनका स्कोर हो गया 29 रन। चौथा ओवर चल रहा है, 10 ओवर का मैच है, 10 ओवर में 83 रन बनाई है, उन्होंने ये उनको भी चकमा देते हुए निकल गए के साथ इसको जा पहुंचा है 31 रन 31 दो विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर का जा रहा है, चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 25 रन, लेकिन चौथा ओवर फेंका ही जा रहा है, इसको है 31 रन। यानी कि यहाँ पर एक और झटका खबोर को लगा, बल्लेबाज शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन कहीं बल्ला कहीं ठीक जाकर इस सबसे टकराई, एक और विकेट का पतन हुआ, तीसरा विकेट गिरा है खबोर का। बिल्कुल जिस हिसाब से दर्शक यहाँ मौजूद है उनकी तारीफ करनी होगी, ये मैच अच्छा देखने को मिलेगा, ये वोल्टेज मुकाबला कहा जा सकता है, जिस तरीके से दोनों तरफ से खिलाड़ी तैनात है, इधर बात की जाए पृथ्वीगंज की तो एक बेहतरीन गेंदबाज है, इसमें बेहतरीन फील्डिंग भी हो रही है, उधर खबोर में एक से एक बल्लेबाज है, तो देखना होगा कि अंतिम क्षणों में क्या होता है, उसी अंतिम क्षणों में सबकी निगाहें होंगी। गलीम भाई निश्चित तौर पर विक्रम आए हैं, संभवतः विक्रम ही है थर्ड आउट खेलने के लिए, तीन विकेट के आउट होने के बाद विक्रम को भेजा गया है खेलने के लिए। विक्रम और ललित की जोड़ी अब ग्राउंड के ऊपर है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के साथ खेलने के लिए आए हैं, टीम हार जाएगी, तीसरे नंबर पर की तीन विकेट जा चुके हैं, एक छोर तो उसको संभाल के, चलिए देखिए क्या होता है जितेंद्र भाई, सीनियर खिलाड़ी है, किसी न किसी को लास्ट ओवर तक बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन अगर प्रतिगत को मैच जीतना है तो इसी तरह से मारना ही पड़ेगा इनको। क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कलीम भाई, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक निर्णय नहीं आता है, डिसीजन नहीं आता है इसी धार का।
दोनों बल्लेबाज दोनों बल्लेबाजों में थोड़ा सा कुछ बातचीत होती हुई सीनियर बल्लेबाज ललित दुबे के माध्यम से। उधर प्रीतिगत की गेंदबाज तैयार, अंपायर का इशारा आना बाकी, एक छोटा सा रनअप है। आगे का हाल कलीम भाई बताएंगे। चले एक पास बोला शुक्रिया विकेट का कटन हुआ है यहाँ पर विक्रम के विकेट, बड़ी सफलता अर्जित की है सुबिया ने, साफ बोल्ड किया गया तब पखाने के बाद सीधी रहती हुई जाकर ठीक मिडिल स्टंप से टकराई। विक्रम को एक जो जिम्मेदारी दी गई थी विकेट के ऊपर रुकने की जिम्मेदारी कैप्टन तफाजुल के द्वारा, और इस बार 10 ओवर का है मैच और ये गोई ग्राम सभा में हो रहा है जानकारी के पास निकाल कर ले। सुबिया ने बड़ी सफलता अर्जित की, 83 रन के स्कोर का पीछे करती हुई अबोर की टीम हमारी 33 रन बना चुकी है चौथे ओवर में। अबोर की टीम 3 विकेट गिर गए, पुरस्कार दिया जाएगा यानी इरफान भाई के माध्यम से 151 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा हैट्रिक पर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं प्रतिगत की गेंदबाज खास तौर पर सुफियान, बहुत ही उमदा गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। लेकिन एक से एक बढ़कर बल्लेबाज है खगोल में भी, इसको भी ध्यान में रखना होगा। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन एक बेहतरीन मैच इस ज्यादा कल होएंगे इस ग्राउंड में। बैट्समैन ने अभी मैच खत्म नहीं हुआ है जितेंद्र जी, अभी मैच खत्म नहीं हुआ, किसी को भी जीता हारा मैं नहीं खेलने के लिए आप लोग क्या बैट्समैन बल्लेबाज वसीम और ललित की जोड़ी अब ग्राउंड पर है। सुफिया एक बार फिर से दूर जाते हुए वसीम के लिए गेंद, बल्लेबाजी वसीम को चकमा देते हुए विकेटकीपर के दस्तावेज में।